Hello, my dear students. Very good morning, and I welcome you all in this science lecture. Hope that you all are fine. We are on unit number 3, synthetic fibers and plastics. So, as you know, in the previous lecture, we had discussed about the various characteristic property of plastics, right? And today, we are going to discuss about the environmental effect of plastics. पर्यावरण के अंदर कैसी असर होती है प्लास्टिक्स की, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे. चलिए, so let us start our lecture from this point. Starting from here, when we go to the market, we get usually things wrapped in a plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. So, जब भी हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, किराने की शॉप के ऊपर जाते हैं, या तो कोई भी फूड आइटम्स लेने के लिए जाते हैं, सो फूड आइटम्स या तो ये सारी चीजें हमें वो लोग प्लास्टिक के रैपर में पैक करके देते हैं. पॉलीथिन बैग्स ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की या तो व्हाइट कलर की आपको देते हैं. या तो आप कोई ड्रेसेस खरीदने के लिए जाओ या तो फिर क्लोथ्स खरीदने के लिए जाते हो, तो उस वक्त आपको जो जिस बैग में पैक करके देते हैं वो पॉलीथीन की बैग्स होती है. बेसिकली इट इज अ प्लास्टिक. सो इन दिस वे द प्लास्टिक मटेरियल इज एक्यूमुलेटेड, मींस हमारे वहां पे इकट्ठा होता है हमारे घरों के अंदर प्लास्टिक मटेरियल. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. फाइनली यानी कि आखिर में प्लास्टिक तो हमेशा किसके अंदर जाता है, कचरे के अंदर ही जाता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम और कोई दूसरी चीजों में नहीं कर सकते. और वही जो गार्बेज उसका इकट्ठा होता है तो उसका डिस्पोजल यानी कि उसका निकाल बहुत ही बड़ा प्रश्न है. व्हाई इज इट सो? लेट अस डिस्कस. A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. So here, before understanding why the disposal of plastic is a major problem, we can say that first of all, we need to know about the disposal processes. Okay? So this is the kind of materials which are decomposed through the natural process such as by bacteria is called biodegradable. Please tick mark this definition. The materials which are easily decomposed inside the soil through the natural process, it is called biodegradable material. And the material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. Okay, so these are the two definitions of the two types of substance. First is biodegradable and second is non-biodegradable. Degradable or biodegradable or non-biodegradable का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो degradable मतलब क्या होता है? It means कोई भी चीज जमीन के साथ घुल मिल जाए, या तो जब भी आप उसको कहीं पे ब्यूराइड करते हो यानी कि दाटते हो, तो उसके बाद वो उसका अस्तित्व वहां पे ना रहे. इट विल गेट्स मिक्स अप विद द सॉइल. सो इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन. ओके, सो नाउ लेट अस नो विच टाइप ऑफ वेस्ट टेक्स द टाइम फॉर डिग्रेडेशन. सो टाइप ऑफ वेस्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स यानी कि छिलके फ्रूट के और सब्जी के, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ यानी कि बचा हुआ खाना. अप्रोक्सीमेट इसको कितना टाइम लगता है? 1 से 2 वीक डिग्रेड होने में. यानी कि 1 से 2 वीक में ये जो सब्सटेंसेस है वो सड़ के जमीन के साथ घुल मिल जाते हैं. मीन्स इट इज अ बायोडिग्रेडेबल. पेपर, कागज 10 से लेके 30 दिन लगते हैं इसको डिग्रेड होने में, तो इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. कॉटन क्लोथ्स 2 से लेके 5 महीने इसको होते हैं डिग्रेडेशन के लिए. यानी कि जब आप उसको कहीं पे फेंकते हो तो उसको डिग्रेड होने के लिए इतना समय लगता है. लकड़ा, वुड 10 से 15 साल डिग्रेड होने के लिए. वोलन क्लोथ्स अबाउट ईयर बायोडिग्रेडेबल. टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years नॉन बायोडिग्रेडेबल.
because the metal cans made up from the tin and aluminium sections are made up from the metals, which is a non-biodegradable substance. Basically, if it is degraded, then it will take 100 to 500 years. Means, एक सदी लग जाती है इसको degrade होने में. So, simple, it is a non-biodegradable material. Plastic bags, there is a no such approximation of the time taken to degenerate of the plastic material. So, this is a very severe problem. बहुत ही बड़ा प्रश्न है. क्यों? क्योंकि इसके साल तो approximate नहीं है. इसके तो साल भी approximate है. मेटल कैंस के उसके तो, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स के तो साल ही तय नहीं है कि इसको कितना टाइम लगेगा. सो इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू नो दैट व्हाई द डिस्पोजल ऑफ अ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम टू डिग्रेड इनसाइड द सॉइल. ओके, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. Environment friendly का मतलब क्या होता है कि जो पर्यावरण के साथ घुल मिल जाए. हमारा पर्यावरण जो है उसमें वृक्ष है, नदियां है, झरने हैं, पहाड़ है, लैंडस्केप्स है, ठीक है. तो इन सारी चीजों के साथ घुल मिल जाना, अगर उसको कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो कि जो हमारी प्रकृति के साथ घुल मिल जाए, तो उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहते हैं. जैसे कि जो पानी है जिसका ऊर्जा के तौर पे हम उपयोग करते हैं, वाटर एनर्जी हमारे शरीर के अंदर हम डालते हैं, तो उसमें से केमिकल प्रोसेस होकर हमें ऊर्जा मिलती है. सो इट इज अ डिग्रेडेबल सब्सटेंस, मीन्स इट इज अ इको फ्रेंडली. अभी के टाइम पे जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इको फ्रेंडली. सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, कि जो ऑटोमोबाइल या तो व्हीकल्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज अ इको फ्रेंडली फ्यूल. व्हाई? बिकॉज़ द टॉक्सिक एमिशन टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एमिशन ऑफ दैट फ्यूल इज वेरी लेस, एंड दैट इज व्हाई इट इज इको फ्रेंडली. इसके मुकाबले अगर आप डीजल और पेट्रोल लो, तो पेट्रोल और डीजल के कंबंशन के बाद जो एमिशन में से निकलता है, एमिशन यानी कि बाहर निकलने वाला धुआं, उसमें कई ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट एनवायर फ्रेंडली और दे आर नॉट इको फ्रेंडली. ओके, चलिए. सो प्लास्टिक मटेरियल इज नॉट डीकंपोज्ड और नॉन बायोडिग्रेडेबलनेस, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. बिसाइड्स, द बर्निंग प्रोसेस इन दिस सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्नड ईजिली. यानी कि प्लास्टिक मटीरियल को आप बर्न करोगे यानी कि उसको जलाओगे, तो इतनी जल्दी हम उसको जला भी नहीं सकते. अगर उसको जला भी दिया तो काफ़ी धीरे धीरे वो जलता है और कई घंटों तक वो जलता रहता है. एंड इट इज सिंपली मेल्ट, इट इज नॉट डीकम्पोज इन साइड दी सॉइल. ओके, इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनियस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. और प्लास्टिक के जलाने से वातावरण के अंदर जो जहरीले गैसेस एग्जॉस्ट होते हैं, वो हवा का प्रदूषण फैलाने का मुख्य स्रोत है. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो फर्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. आप सभी लोगों से एक मैं घटना शेयर करना चाहता हूं. In a previous year, when we are in a classroom teaching, क्योंकि classroom teaching तो अभी एक सपना हो चुका है आपके लिए, तो पिछले साल आपके जो seniors हैं जो 9th में आए, उन लोगों को जब मैं ये chapter पढ़ा रहा था, तभी मैंने एक activity की थी इसको मद्देनजर रखते हुए, plastics को. उन लोगों को मैंने एक study करने के लिए कहा था कि भाई आप उपले टाके जो सब्जी मंडी है राजमार्ग के ऊपर, वहां पे जाओ और कोई एक सब्जी वाला है उसके पास जाके खड़े रहो और उसको सिंपली पूछो कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा रहूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो वो पूछेगा कि भाई क्यों खड़ा रहना है, तो आपको सिंपली आंसर देना है कि मैं एक घंटे तक यहाँ पे खड़ा रहूंगा और यहां से आपके वहां से कितने प्लास्टिक बैग्स लोग लेके जाते हैं वो मुझे कैलकुलेट करना है. तो ऐसा स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत ही सफल भी रहा था. ऐसे ही सब्जी मंडी है, कोई किराने की शॉप है, या तो कोई
ड्रेस की दुकान है वहाँ पे पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, या तो लोकल आपके घर के पास जो सब्जी वाला आता है वो कितने पॉलीथीन बैग्स देता है वो भी हमें चेक करना होता है, ठीक है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसके एंड में हमें मालूम चला कि एक सब्जी वाला ऑन एन एवरेज एक घंटे में 50 से लेके 17 लोगों तक पॉलीथीन बैग्स जो है वो पहुंचाता है, मतलब सब्जी पॉलीथीन बैग्स के अंदर भर के देता है, यानी कि प्लास्टिक के अंदर भर के देता है। तो इससे हमें ये मालूम चला कि अगर दिन के एक घंटे में एक सब्जी वाले की दुकान से 50 से लेके 17 प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स जो है वो लोगों तक पहुंचते हैं, तो सोचो पूरी सब्जी मंडी में एक घंटे में कितने बैग्स जाते होंगे लोगों के पास, और एक घंटा नहीं पूरे दिन में पूरे सब्जी मंडी में से कितने पॉलीथीन बैग्स जाते होंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट अगर आप डायरेक्ट जाके करें तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन अभी तो कोरोना ऐसी बीमारियां चल रही है इसलिए घर से बाहर निकलना अवैध है, मतलब इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ इज नॉट नेसेसरी एंड इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि ये इस ऐसी हमने एक्टिविटीज की हुई थी पिछले साल कि जिसके आउटपुट में हमें कई सारा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले थे। ऐसी तो कई सारी एक्टिविटीज है हर चैप्टर के अंदर जो हमने लाइव एक्टिविटीज की हुई थी, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वो चाहे चार्ज की एक्टिविटी हो, वो चाहे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की एक्टिविटी हो, हम खेतों में जाके कई सारी चीजें हमने सीखी थी। तो हम भी दुआ करेंगे कि ये कोरोना जैसी बीमारियां खत्म हो जाए, जब क्लासरूम टीचिंग हमारा शुरू हो तभी हम क्लासरूम में बैठेंगे, पढ़ेंगे आपके साथ, मस्ती मजाक के साथ, अच्छे से एक्टिविटी के थ्रू अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया था। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दी दिस प्रॉब्लम दैट वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। ओके, सेकेंड सॉल्यूशन इज मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो हम अगर घर से बाहर जाए तो घर से बाहर जाते वक्त हमें कॉटन की बैग लेके जाना चाहिए, ना कि प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कॉटन की बैग का वजन इतना नहीं होता ना, 2-3 किलो तो वजन उसका होता नहीं है। तो सिंपली आप भी जब आपके मम्मा या तो पापा या तो दोनों सब्जी लेने के लिए जाए या तो बाहर कोई भी किराने की चीज लेने के लिए जाए तो उसे इतना इंसिस्ट करना कि मम्मी पापा ये जो बैग आप वहां से प्लास्टिक के उठा के ला रहे हो इसकी जगह एक काम करो कॉटन या तो जो जूट की बैग्स होती है उसको इस्तेमाल करो, अच्छा है हमारे लिए, हमें पढ़ने में आता है, तो वो भी काफी राजी राजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज दी सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिस्पोजल प्रॉब्लम। थर्ड, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। તમારો કચરો અમને આપો, ઉપલેટા નગરપાલિકા તમને સ્વચ્છતાનો વરદાન આપશે। એ ભાઈ જરા દેખ કે ચલો, રોજ સુનતે હો ના યે ગાડી ચલ રહી હોતી હે, તો ઉસ ગાડી કે અંદર દો સેક્શન્સ બના દીએ, પહેલે નહીં હોતે થે, અભી હે, એક ગ્રીન સેક્શન એક બ્લુ સેક્શન, ભીનો કચરો અને સૂકો કચરો। સૂકા કચરાની અંદર આવા નોન બાયોડિગ્રેડેબલ સબસ્ટન્સીસ હોય છે, પ્લાસ્ટિક્સ છે, બેગ્સ છે, પછી કોઈ રેપની કોથળીઓ છે, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ છે, मैनी 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 सब्सटेंसेस आर देयर विच इज ड्राई इन नेचर और विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसको हमें अलग से सेपरेट करना चाहिए। तो अभी क्या होता था कि पहले हम एक कचरा जो है वो एक बाल्टी में ही भरते थे, इससे होता ऐसा था कि इसमें कचरा ले जाने के बाद उसको सेपरेट करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अभी जो कचरे के दो प्रकार दो डिविजन हमने कर दिए हैं, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा, तो उन दोनों के विभाग करने की वजह से उन लोगों को जो कचरा उठाने वाले हैं उनको बड़ी सहूलियत हो जाती है कि सूखा कचरा अलग गीला कचरा अलग, और इस तरीके से जो अगर हमने बाइफर्गेशन कर दिया तो इससे डिस्पोजल वेस्ट का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। ओके, देन आफ्टर इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल, एक प्लास्टिक के वेस्ट जहां से आते हैं डिस्पोज होके तो उसे हमें रिसाइकल कर देना चाहिए, यानी कि जो इस्तेमाल हुआ वेस्ट हमारे यहाँ पे आया है
उस वेस्ट का वापस हमें प्रोडक्शन करके नया मटेरियल बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। द प्लास्टिक्स विच आर यूटिलाइज्ड इन द कंटेनर्स इन द बैग्स इट इज रिसाइकल्ड। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। दिस लिमिट्स इज यूजेस एस्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब रिसाइकल करने के वक्त उसके अंदर कोई कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि उसका कलर, देखना प्लास्टिक के अलग अलग कलर होते हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, पिंक कलर, येलो कलर, इतने अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स आपने देखे हुए होते हैं। ओके चलिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर द 4R प्रिंसिपल रिड्यूस रीयूज रिसाइकल एंड रिकवर डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो यहां पे आपको कहा गया है कि रिड्यूस, आपका इस्तेमाल प्लास्टिक का जितना हो उससे कम करें। दूसरा रीयूज, मतलब प्लास्टिक की बैग घर पे आई है तो उसे फेंके नहीं, उसका जितना जितनी मरतबा हो सके अगेन इस्तेमाल करें। थर्ड रिसाइकल, अगर उसका इस्तेमाल खत्म हो गया है तो उसको रिसाइकल करें, मतलब वो जो डिस्पोजल करने वाले वही करें। एंड रिकवर, मतलब जो मटेरियल बचा हुआ है उसको रिकवर करें। ओके, सो इतनी हैबिट जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है उसे हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर होता है। तो आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।